हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम केयर। आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताऊंगा। इसका नाम है जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये नेटिव है मेक्सिको का, साउथ अमेरिका का और इंडिया में गुजरात स्टेट का नेटिव है ये। इसकी जो हाइट है, जो लंबाई इसकी होती है वो है 2.5 से लेके 4 मीटर तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अलग अलग कलर्स में लगता है। पत्तियाँ इसकी जो है मल्टी कलर्ड पत्तियाँ होती हैं। ये इसकी ब्यूटी है कि इसकी जो लीव्स हैं वो मल्टी कलर लीव्स होती हैं और जो लीव्स का कलर है वो पर्पल ब्राउनिश होता है जब नई होती है। देखिए इस तरह से होता है, फिर ये इस तरह हो जाता है, फिर ये ऐसे डार्क कलर की ग्रीन लीव हो जाती है। और देखिए कुछ लीव्स ऐसी भी हो जाती हैं वाइटिश कलर की। तो अलग अलग कलर के पत्ते होते हैं इसके। तो ये इसकी ब्यूटी है। और देखिए फ्लावर्स की बात करें तो बहुत छोटे फ्लावर्स होते हैं इसके, रेड क्लस्टर में इस तरह आते हैं। तो चेरी साइज़ होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और डिसीज़ की बात करें इस प्लांट में तो इसे पाउडरी माइल्ड्यू डिसीज़ हो जाती है। तो उससे इसको आप बचा सकते हैं बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड। और इफ़ यू वांट टू यूज़ ऑर्गेनिक समथिंग तो आप नीम का स्प्रे बना के भी इस पर छिड़क सकते हैं। तो इस प्लांट के बारे में बस यही चीज़ें हैं ये कि ये श्रब है, एक तरह की पेरिनियल श्रब, और इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद है। तो वैसे फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लांट नहीं है, ज़्यादातर घरों में नहीं मिलेगा आपको, बट ये एक अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो है और बहुत आसानी से इसको आप उगा सकते हैं। बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसकी। और देखिए तो अलग अलग कलर की पत्ती होती हैं। देखिए इसकी इस तरह से एक शाइन होती है इसकी पत्तियों पे, बिल्कुल जैसे एक लेदर काइंड ऑफ कोटिंग हो लीव्स पे, शाइनी कोटिंग। तो पत्तियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, अलग अलग कलर का मिक्स लगता है। तो फ्रेंड्स, बात करें इसके सॉइल की तो आप वेल ड्रेन सॉइल ले सकते हैं इसके लिए। उसमें वेल ड्रेन बनाने के लिए आप उसमें सैंड मिक्स कर सकते हैं और कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं इस प्लांट के लिए। देखिए कितने छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। ऑल्दो ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, लेकिन बाद में ये सीड पॉड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसको आप उगा भी सकते हैं। तो प्रोपोगेशन जो होती है इसकी वो बहुत आसान होती है। तो आप इसको सीड्स के थ्रू दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट को। और जो सॉइल के बारे में आप बताया था मैंने भी आपको, तो आप वैसे ही वेल ड्रेन सॉइल बना सकते हैं और सैंड डाल सकते हैं उसमें, आप कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं सॉइल में। तो कंपोस्ट आप फ्रेंड्स समर के टाइम आप अगर लगा रहे हैं तो आप गोबर की खाद को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है और उससे प्लांट भी मर सकता है। एक्सेसिव नाइट्रोजन होती है उसमें, लेकिन गर्मी भी होती है बहुत उसमें। तो आप कोशिश करें कि कुछ बेटर अल्टरनेटिव लें, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं आप, वर्मी क्यूलाइट यूज़ कर सकते हैं आप, अपनी होममेड कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं लीव्स की। तो इस तरह से आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र दें इसको आप, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दें और साल में एक दो बार दे सकते हैं ग्रोइंग सीज़न में। तो बात करें इसकी ग्रोथ की तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसमें, एक फास्ट ग्रोथ होती है। और बस ये इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह ये चलता जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्लांट नहीं, पेड़ की तरह ट्री की तरह नहीं होता है, बट एक काफ़ी हद तक बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है इसकी। 4 मीटर तक इसकी आपको हाइट मिल जाएगी। और बस यही बहुत इजी टू ग्रो है। तो आप सब लगाइए अपने घर में इसको और देखिए इस तरह की पत्तियां होती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिस्कशन इसके बारे में पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो शेयर. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.